ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਰਜ ਉਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਫੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ हाँ मैडम हमारा ये मूर्ति कलाकार का मेन काम है हमारे दादे परदादे मूर्तियाँ बनाते थे और उन्हीं से हम मूर्तियाँ सीखे और बचपन से हम मूर्ति बना रहे हैं और हर प्रकार की मूर्तियाँ बनाते हैं लेकिन गणेश चतुर्थी जब आती है उसके 4 महीने पहले राजस्थान से 8-10 कारीगर भी लेके आता हूँ मैं साथ में लगता हूँ और परिवार भी साथ में लगता है और बड़ी तादाद में मूर्तियाँ बनाते हैं और मूर्तियों का अलग अलग रंग रूप देते हैं जैसे किसी को बुलेट पे बिठा दिया तो किसी को पत्ते में बिठा दिया तो गणेश भगवान को अलग अलग डिजाइन में किसी को पगड़ी पहना दिया तो अलग अलग तरह में मूर्तियाँ हम बनाते हैं तो कस्टमर पसंद करते हैं और ये अब स्पेशल हरिद्वार से मिट्टी लेके आते हैं हम और इसको मिट्टी में बनाते हैं मूर्ति है चाचा तो उसमें डालते हैं मटीरियल मूर्ति वास्ते केड़ा तुसी इस्तेमाल कर दियो जी गल करी ये मटीरियल हरिद्वार से मिट्टी ला के फिर इसकी मूर्ति बनाते हैं जी तो ये इको फ्रेंडली मूर्ति है ताकि इसको पानी में घोलने से घुल जाती है और कोई नुकसान नहीं होती इसके ऊपर कच्चे कलर हम देते हैं कच्चे कलर भी पानी में घुल जाते हैं कितना को जड़ा समय मूर्ति नु बनने से लग जाता है कितना टाइम लगता है एक मूर्ति को बनने में 2-3 दिन लग जाता है जी 2-3 दिन में एक मूर्ति तैयार हो जाती है तो 8-10 आदमी होते हैं तो एक दिन में 10-12 मूर्ति बन जाती है तो काफ़ी सारी मूर्ति 3-4 महीनों में लगभग 2000 मूर्ति हम बना लेते हैं और काफ़ी दूर दूर मेरी मूर्तियाँ जाती है हिमाचल जाती है पंजाब जाती है हरियाणा जाती है मोहाली चंडीगढ़ पंचकूला और ट्राई सिटी में सारी जगह मेरी मूर्तियाँ जाती है राजस्थान तो इतने आए हो राजस्थान तो चंडीगढ़ आने का कोई खास मकसद क्योंकि राजस्थान तो तुम है चंडीगढ़ राजस्थान में हर कलाकार है हर जगह मूर्ति बनती है तो यहाँ पंजाब में कोई ऐसा कलाकार है नहीं तो इसलिए हम यहाँ आए तो हमारे को पंजाब अच्छा लगा और चंडीगढ़ भी अच्छा लगा और हमारा धंधा पानी यानी यहाँ अच्छा होता है तो इसलिए हम बस हर साल आते हैं यहीं तो 4-5 महीने पहले आ जाते हैं और मूर्ति सीजन करते हैं जैसे गणेश पूजा की कर लेते हैं विश्वकर्मा भी बना लेते हैं माता की मूर्ति भी बना देते हैं और सरस्वती माता की भी बना देते हैं वो त्यौहार पे हम पहले आके मूर्ति तैयार बना के अपना सेल कर देते हैं मूर्ति मूर्ति बनाने में सब तो बड़ी चुनौती की रहती है क्योंकि हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है पूरा जो ध्यान है मूर्ति से होता थोड़ा हाँ जी सबसे पहले ही जैसे पूजा होती है उसके 2-3 महीना 4 महीना पहले आना पड़ता है और अपना परिवार समेत और फिर मूर्ति सारी बना के तैयार करके रखते हैं तो आम रोड पर मूर्ति रखते हैं तो लोगों को पता लग जाता है कि भाई मूर्तिकार आ गया है तो लोग आके अपनी बुकिंग कराई जाते हैं और टाइम सर अपनी मूर्तियाँ ले लेते हैं रिसेंटली कितनी को मूर्तियाँ बनाती है हूँ हाल ही कितनी मूर्तियाँ बना चुके हो गणेश जी की गणेश की मूर्तियाँ 2000 मूर्ति लगभग मैं बना चुका हूँ और 700-800 मूर्ति मेरी बुक भी हो चुकी है लोगों के पास बाकी 7-8 तारीख को सारी मूर्तियाँ मेरी निकल जानी हैं मतलब इतना कस्टमर आता है मेरे पास चंडीगढ़ मोहाली पंचकूला का कि कस्टमर खाली जाते मूर्ति मिलती ही नहीं है कोई नहीं बचती मेरी मूर्ति लेके ओनली जड़ी मूर्तियाँ लेके आता कई विसर्जनी भी लेके आते हैं हाँ जी मैं कई लोग गणेश जी घर लेके आते हैं कई बाद चो विसर्जन भी करते हैं मूर्ति विसर्जन भी होंगे ना हाँ जी मूर्ति अपने गणपति की 10 तारीख की इसकी जन्मदिन है तो 10 तारीख को ले जाके 10-10:30 बजे बिठाएंगे और 11 दिन घर में रखेंगे उसके बाद में कई लोग बाहर भी विसर्जन करते हैं और कई लोग अपने घर में टप रख के टप में भी विसर्जन करते हैं
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਅਸਰ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ? हाँ, गणपति की कृपा है जो अपने पंजाब में इतना अच्छा माहौल रहा कोरोना काल में, जो कोई ऐसा कोई ज़्यादा केस नहीं हुआ है, और इस गणपति की कृपा है। पिछले साल से भी ज़्यादा उत्साह है कि भाई लोगों की भावना है कि गणपति की पूजा हम पहले करें ताकि हमारे घर में अच्छा चले, बिजनेस अच्छा चले, कारोबार अच्छा चले। तो लोगों में बहुत भावना और बहुत बड़ी उत्साह है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਮਤਲਬ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਹੀ ਔਰ ਪੂਰਵਜ ਔਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਤੇ ਹੈ। ਹਮ ਬਚਪਨ ਸੇ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਤਬ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਮ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਲਈ, ਔਰ ਹਮ ਬਣਾਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਇਹ ਜੈਸੇ ਗਣਪਤੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਪੂਜਾ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵਰਾਤਰਾ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਕੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਏਂਗੇ ਹਮ, और उसके बाद फिर सरस्वती की माता की मूर्तियाँ बनाएंगे। ये मूर्ति हर प्रकार की हम मूर्ति बनाते ही रहते हैं, हर सीजन में मूर्तियाँ बनाते रहते हैं। कंसेप्ट कितना अलग है उन्होंने दिमाग की, हाथ लड्डू तो होंगे ही, गणेश जी का चूहा उन्होंने सवारी है, और जो नवी थोड़ी क्रिएटिविटी आवे थोड़े माइंड से कितना अलग है उन्होंने क्रिएटिविटी ऑन द स्पॉट होती है कि ये हमारा बचपन का काम है और हमारे लिए बिल्कुल ईजी है मूर्ति बनाने के लिए। अलग अलग तरह की मूर्तियाँ हम मतलब हमारे लिए बिल्कुल ईजी है, तो इसका मॉडल भी बना देते हैं, इसके फ्रेम भी बना देते हैं, इसके डाई भी बना देते हैं, और हर तरह की मूर्ति भी बना देते हैं। हाँ, ये 35 साल तो हो गए मूर्ति बनाते हुए, की बदलाव देखे तुसी? 30-35 साल में ऐसा है, पहले छोटी छोटी बनाता था, अब मैं मूर्तियाँ बड़ी बड़ी भी बना लेता हूँ, तो बदलाव तो काफ़ी कुछ है ही है। और पहले लोग कम मनाते थे गणपति पूजा, और अब हजारों के तादाद में लोग मनाने लग गए, ज़्यादा डिमांड हो गई, तो अब ज़्यादा बनाने लग गए हम मूर्तियाँ। अच्छा, जेकर कमाई दी गल करी तो कितनी को कमाई हो जाती है दिन च? कमाई तो फिर ऐसा है, एक मूर्ति की कीमत कितनी है जो तुसी लोग थोड़े को? एक फुट की मूर्ति 200-250 रुपए की है, और कोई 400 की है, कोई 500 की, कोई 700 की, कोई 1000 की, कोई 1500 की है। तो ऐसे हम भगवान की मूर्ति में कभी ज़्यादा पैसा नहीं लेते, हमारे मजदूरी का पैसा लेते हैं कि भाई हमारी दिहाड़ी निकल जाए और हमारी मजदूरी मिल जाए मुझे। हाँ, ये है। हाँ, तुम देखा कि मेरे ना मूर्तिकार फूलचंद जी जिन्होंने कहा कि मूर्तियाँ बहुत मेहनत ना बनाते हैं, पिछले 30-35 साल तो मूर्ति बनाते आ रहे हैं। हूँ जिदा गणेश उत्सव 10 तरीक तो शुरू हो रहा है, इन्हों दिन घट्टो घट 2000 मूर्तियाँ बना चुके हैं, सारिया मूर्तियाँ ही बिक जाए ने। तो अगर जिदा होर त्यौहार आ रहे हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, विश्वकर्मा आ रहा है, विश्वकर्मा डे आ रहा है, तो ये भी जो मूर्तियाँ तैयार कर रहे हैं, अगे माता रानी की मूर्ति भी बनाएंगे। तो तुम पिछले देख सकते हो मूर्ति, थोड़ू तस्वीर दिखा दें कि बहुत सारिया मूर्तियाँ पे ने इतने गणपति जी दियाँ, ते राजस्थान तो ने बॉम्बे भी रह चुके, तो हूँ इतने जीरकपुर पिछले 30-35 साल तो इस फील्ड में ने। तो करोना काल की गल की जाए तो हौली हौली सब कुछ ठीक हो रहा है, तो तुम भी बने रहो तेज़ पंजाब न्यूज़ नाल।